आदाब, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। आज बसव कल्याण में नगर पुलिस स्टेशन की ओर से निकाली गई हेलमेट अवेयरनेस बाइक रैली। पीएम मोदी आज शनिवार को बेंगलुरु में इसरो मुख्यालय पहुंचकर चंद्रयान 3 के वैज्ञानिकों से की मुलाकात। किए 3 ऐलान, कहा कि जहां चंद्रयान 3 उतरा उस जगह का नाम शिवशक्ति, जहां चंद्रयान 2 की छाप वो तिरंगा पॉइंट होगा। तेलंगाना सचिवालय परिसर में मंदिर मस्जिद चर्च का उद्घाटन। गवर्नर, मुख्यमंत्री, वरिष्ठ नेतागण, मजलिसी नेतागण और उल्मा मशायख रहे उपस्थित। बीजेपी ईवीएम हैक करके जीतती है चुनाव। उद्धव ठाकरे ने सामना में बीजेपी पर किया तीखा वार, चुनाव आयोग को बताया कठपुतली। शिक्षा के मंदिर में टीचर की शर्मनाक करतूत, छात्र को बाकी बच्चों से पिटवाया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के एक प्राइवेट स्कूल की टीचर ने की ये हरकत। अब समाचार विस्तार से। आज बसव कल्याण में नगर पुलिस स्टेशन की ओर से हेलमेट अवेयरनेस बाइक रैली निकाली गई। ये रैली गांधी चौक से होकर त्रिपुरांत और बस स्टैंड से होते हुए किला से बसव कल्याण नगर पुलिस स्टेशन तक पहुंची। इस हेलमेट अवेयरनेस बाइक रैली में बसव कल्याण के सीपीआई अली साहब, पीएसआई अम्बरीश, ट्रैफिक पीएसआई स्वर्णा और पूरी टीम शामिल थी। इस अवसर पर बसव कल्याण के जनता से ये आग्रह किया गया कि हेलमेट पहने और चालान से बचें। बसव कल्याण से केपी न्यूज के संवाददाता समीर शेख की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु में इसरो मुख्यालय पहुंचे और यहां उन्होंने चंद्रयान 3 के वैज्ञानिकों से मुलाकात की। इस दौरान इसरो के वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी भावुक भी हो गए। उन्होंने कहा कि आज आपके बीच रहकर काफी खुशी महसूस हो रही है। आज मेरा तन मन खुशियों से भर गया है। मैं जल्द से जल्द आपके दर्शन करना चाहता था, आप सबको सैल्यूट करना चाहता था। बेंगलुरु के इसरो कमांड सेंटर में पीएम मोदी ने वैज्ञानिकों से मुलाकात की। इसरो में वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए इसरो टीम के वैज्ञानिकों को बधाई दी। इस दौरान उन्होंने 3 बड़े ऐलान भी किए। ऐलान किया कि जहां चंद्रयान 3 उतरा वो शिवशक्ति प्वाइंट और जहां चंद्रयान 2 उतरा वो तिरंगा प्वाइंट कहलाएगा। तीसरा ऐलान किया कि 23 अगस्त को अब हर साल नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है उस स्थान को शिवशक्ति के नाम से जाना जाएगा और जहां चंद्रयान 2 की छाप है वो तिरंगा प्वाइंट कहलाएगा। कोई भी सफलता आखिरी नहीं होती है, इसलिए जहां पर हमारे चंद्रयान 2 के पदचिन्ह पड़े थे उस स्थान को आज से तिरंगा प्वाइंट के नाम से जाना जाएगा। ये तिरंगा प्वाइंट भारत के हर प्रयास की प्रेरणा बनेगा। ये तिरंगा प्वाइंट हमें सीख देगा कि कोई भी विफलता आखिरी नहीं होती। दो देशों के दौरे के बाद भारत लौटे पीएम मोदी सीधे बेंगलुरु एयरपोर्ट पर उतरे। उसके बाद वो वैज्ञानिकों से मिलने इसरो परिसर पहुंचे, जहां पर उन्होंने ये ऐलान किए। इनोवेशन की स्पिरिट को सेलिब्रेट करेगा, हमें हमेशा हमेशा के लिए प्रेरित करता रहेगा। चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने अपने पदचिन्ह छोड़े हैं वो पॉइंट अब तिरंगा कहलाएगा। ये तिरंगा पॉइंट भारत के हर प्रयास की प्रेरणा बनेगा। चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। चंद्रयान 3 के चुनौतीपूर्ण मिशन को सफल बनाने में भी देश की महिलाएं पीछे नहीं रही। भले ही विक्रम लैंडर के चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद केवल एसोसिएट परियोजना निदेशक के कल्पना सामने आई, लेकिन मिशन को सफल बनाने में 100 से भी अधिक महिला वैज्ञानिकों ने अहम भूमिका निभाई है। इसरो की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार चंद्रयान 2 की परियोजना निदेशक एम वनिता और मिशन निदेशक रितु
करिधाल ने भी चंद्रयान 3 टीम के साथ सहयोग किया। मिशन की समीक्षा करने वाली टीम में ऋतु शामिल रही और उनके अनुभवों का पूरा लाभ चंद्रयान 3 टीम को मिला। तेलंगाना के नए सचिवालय परिसर में शुक्रवार को एक साथ मंदिर, मस्जिद और चर्च का उद्घाटन किया गया। इस दौरान राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव तीनों धर्म स्थलों में आयोजित की गई विशेष प्रार्थना में शामिल हुए। इस उद्घाटन के दौरान गवर्नर तेलंगाना डॉ तमिलिसाई सुंदरराजन, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के अध्यक्ष एवं हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी, वो उनके छोटे भाई, वो विधानसभा में AIMIM के सदन के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी, आंतरिक मंत्री मोहम्मद महमूद अली, मौलाना मुफ्ती खलील अहमद जामिया निजामिया, मौलाना मुफ्ती गयासुद्दीन रहमानी अध्यक्ष जमीयतुल उलमा और कई वरिष्ठ लोगों के अलावा विभिन्न सरकारी अधिकारी और दूसरे अधिकारी उपस्थित थे। मस्जिद में मुख्यमंत्री ने कहा कि तेलंगाना में भाईचारा बनाए रखने के सरकार के प्रयास जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना सचिवालय परिसर में एक मंदिर, चर्च और मस्जिद बनाए गए हैं। ये देश के लिए सद्भाव और भाईचारे का एक बड़ा उदाहरण है। मुख्यमंत्री ने 30 अप्रैल को नए सचिवालय का उद्घाटन किया था। राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव और अध्यक्ष मजलिसी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी और अन्य विद्वानों की उपस्थिति में तेलंगाना सचिवालय की नई इमारत में पुनर्निर्मित दो मस्जिदों का औपचारिक उद्घाटन किया। बाद में मस्जिद परिसर में आयोजित समारोह में बोलते हुए मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने कहा कि यह बहुत खुशी की घड़ी है, ये अल्लाह की दुआ है। अल्लाह के दरबार में खड़े होकर बोलना थोड़ा डर लगता है, लेकिन मुफ्ती खलील अहमद ने कहा कि आपको बोलना होगा, अच्छी बात है, अच्छी जगह है। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि तेलंगाना भर में भाईचारा कायम रहे। KCR ने कहा कि मैं तेलंगाना और देश के सभी मुसलमानों को बधाई देता हूं और कहा कि मंदिर और चर्च का निर्माण कर तेलंगाना सरकार ने देश को एक अच्छा संदेश दिया है, जिससे सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि सचिवालय में तीन भाई एक साथ मिलकर काम करते हैं और मिलकर एक के बाजू एक इबादत भी करने का सरकार ने अवसर प्रदान किया है। शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे ने अपने मुखपत्र सामना में भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। सामना के संपादकीय में लिखा गया है कि बीजेपी EVM हैक करके चुनाव जीतती है। इसके साथ ही चुनाव आयोग को भी निशाने पर लिया और कहा कि चुनाव आयोग से अब कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती। सत्ता पक्ष ने EVM के साथ ही चुनाव आयोग को भी हैक कर रखा है। संपादकीय में लिखा गया है कि सत्य को कितना भी दबाने की कोशिश करें, वो लावे की तरह बाहर आ ही जाता है। बीजेपी सांसद डी अरविंद ने कहा कि मतदाताओं, तुम कोई भी बटन दबाओ, वोट बीजेपी को ही जाएगा। इसका सीधा अर्थ यह है कि बीजेपी EVM हैक करके चुनाव जीतती है। चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए मुखपत्र लिखता है कि चुनाव आयोग अब निष्पक्ष नहीं रहा, बीजेपी की केंद्र सरकार का काम करने वाला ही बन चुका है। चुनाव आयोग में गुजरात मॉडल के अधिकारियों को लाकर उनसे मनचाहे अच्छे बुरे काम करवाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में जिस तरह से शिवसेना वो धनुषबान चिन्ह शिंदे गुट के हाथ में दिए गए, इस मनमानी पर मुहर लग चुकी। अब वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर MEd एंड BEd कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर MEd एंड BEd कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर MEd एंड BEd कॉलेज, शाहपुर गेट बीदर। फोन नंबर्स 9945283920,
8482121297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गढ़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और VIP सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर APMC वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है, देखते हैं आगे के समाचार। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी NCP अध्यक्ष शरद पवार ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया और प्याज पर निर्यात शुल्क लगाने से लेकर मणिपुर में हिंसा तथा राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों के कथित दुरुपयोग जैसे मुद्दों को लेकर उसकी आलोचना की। एकनाथ शिंदे सरकार में 2 जुलाई को शामिल हुए बागी NCP नेता हसन मुशरिफ के गृह जिले कोल्हापुर में एक रैली को संबोधित करते हुए पवार ने कहा कि राज्य में प्याज किसानों को उनकी उपज के लिए सही कीमत नहीं मिल रही है। पवार ने कहा उन्हें फसल उगाने पर खर्च की गई राशि मिलनी चाहिए, अगर ऐसा होना है तो प्याज को दुनिया भर में निर्यात करना होगा, लेकिन मोदी सरकार ने 40% का भारी शुल्क लगा दिया और उसके बाद भारतीय प्याज को ग्राहक नहीं मिल रहे हैं, इससे प्याज की कीमत में गिरावट आई। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के एक प्राइवेट स्कूल की टीचर का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें टीचर क्लास में एक बच्चे को क्लास के ही बाकी बच्चों से पिटवा रही हैं और दावा किया जा रहा है कि जिस बच्चे को बाकी छात्र थप्पड़ मार रहे हैं वो मुस्लिम है। वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा कि मासूम बच्चों के मन में भेदभाव का जहर घोलना, स्कूल जैसे पवित्र स्थान को नफरत का बाजार बनाना, एक शिक्षक देश के लिए इससे बुरा कुछ नहीं कर सकता। राहुल गांधी ने पोस्ट में आगे लिखा है कि ये BJP का फैलाया वही केरोसिन है जिसने भारत के कोने कोने में आग लगा रखी है। बच्चे भारत का भविष्य हैं, उनको नफरत नहीं, हम सबको मिलकर मोहब्बत सिखानी है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में एक स्कूल से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। वीडियो एक प्राइवेट स्कूल का बताया जा रहा है। वीडियो में स्कूल टीचर एक बच्चे को क्लास के बाकी बच्चों से पिटवा रही हैं। दावा किया गया है कि जिस बच्चे को पीटा गया वो मुसलमान है। इसे लेकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM नेता और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने प्रदेश की योगी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने CM योगी से सवाल किया कि बुलडोजर और ठोक दो का क्या हुआ। शनिवार 26 अगस्त को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा मुजफ्फरनगर का वीडियो जिसमें एक टीचर अपने छात्रों से एक मुस्लिम लड़के को थप्पड़ मारने के लिए कह रही है वो पिछले 9 वर्षों का प्रोडक्ट है। छोटे बच्चों के दिमाग में यह संदेश डाला जा रहा है कि कोई भी किसी मुस्लिम को बिना किसी नुकसान के डर के पीट सकता है और अपमानित कर सकता है। तमिलनाडु के मदुरई रेलवे स्टेशन के पास एक बड़ा हादसा हुआ है। दक्षिण रेलवे अधिकारियों के अनुसार लखनऊ से रामेश्वरम जा रही ट्रेन के टूरिस्ट कोच में आग लग गई। इस हादसे में अब तक 10 लोगों के मारे जाने और 20 लोगों के घायल होने की सूचना है। दक्षिणी रेलवे के अनुसार तमिलनाडु ट्रेन हादसे के मृतकों के परिवार को 10-10 लाख रूपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। दक्षिण रेलवे के अधिकारियों के अनुसार ट्रेन में आग सुबह उस समय लगी जब ये मदुरई यार्ड जंक्शन पर रुकी हुई थी, तब यात्री अवैध तरीके से गैस सिलेंडर लेकर कोच में घुस गए। बताया जा रहा है कि इसी सिलेंडर की वजह से ट्रेन में भीषण आग लग गई। ट्रेन में आग लगने का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें कोच में भीषण आग लगी नजर आ रही है, वहीं कुछ लोग आसपास चिल्ला भी रहे हैं। मौके पर पहुंचे दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। अधिकारियों के अनुसार स्टेशन द्वारा 26 अगस्त 2023 को
5:15 मदुराई यार्ड में निजी पार्टी कोच में आग लगने की सूचना दी गई थी। इसके बाद फायर सर्विस को सूचना दी गई और फायर टेंडर यहां 6:45 पहुंचे। 7:15 आग बुझा ली गई। किसी अन्य कोच को कोई नुकसान नहीं हुआ है। अब वक्त है और ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482127। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गढ़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। चंद्रयान 3 को चांद की सतह पर उतारने के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अपने नए मिशन की तैयारी भी पूरी कर ली है। चंद्र मिशन के सफल होने के बाद भारत सूर्य का अध्ययन करने वाला चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले अमेरिका, रूस और यूरोपीय स्पेस एजेंसी सूर्य का शोध कर चुकी हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले महीने 2 सितंबर को इस मिशन को लॉन्च किया जा सकता है। अहमदाबाद में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के निदेशक नीलेश एम देसाई ने मीडिया को आदित्य L1 के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा, हमने आदित्य L1 मिशन की योजना बनाई है और ये तैयार है। संभावना है कि इसे 2 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। आज बसवा कल्याण में नगर पुलिस स्टेशन की ओर से निकाली गई हेलमेट अवेयरनेस बाइक रैली। पीएम मोदी आज शनिवार को बेंगलुरु में इसरो मुख्यालय पहुंचकर चंद्रयान 3 के वैज्ञानिकों से की मुलाकात, किए 3 ऐलान। कहा कि जहां चंद्रयान 3 उतरा उस जगह का नाम शिवशक्ति, जहां चंद्रयान 2 की छाप वो तिरंगा पॉइंट होगा। तेलंगाना सचिवालय परिसर में मंदिर मस्जिद चर्च का उद्घाटन। गवर्नर, मुख्यमंत्री, वरिष्ठ नेतागण, मजलिसी नेतागण और उलमा मशायख रहे उपस्थित। बीजेपी ईवीएम हैक करके जीतती है चुनाव। उद्धव ठाकरे ने सामना में बीजेपी पर किया तीखा वार, चुनाव आयोग को बताया कठपुतली। शिक्षा के मंदिर में टीचर की शर्मनाक करतूत,
छात्र को बाकी बच्चों से पिटवाया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के एक प्राइवेट स्कूल की टीचर ने की ये हरकत। केप न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केप न्यूज 24/7। धन्यवाद।